जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां से करणपुर में सीआरपीएफ कोरबा बटालियन कैंप जाएंगे। सीआरपीएफ कैंप में वह रात गुजारेंगे। अमित शाह शनिवार को सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वो सीआरपीएफ जवानों को संबोधित भी करेंगे, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर से नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जगदलपुर दौरा है। वो 84वें स्थापना दिवस में यहां पर शामिल होने कार्यक्रम में जगदलपुर आ रहे हैं। आज शाम को वो जगदलपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें आज रात वो वहीं पर गुजारेंगे और 19 घंटे का ये दौरा बताया जा रहा है। कई अहम कार्यक्रम इस दौरान होंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीते कई दिनों से अमित शाह के आगमन को लेकर यहां पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें हेलीकॉप्टर से कर्णपुर तक अमित शाह पहुंचेंगे और आज रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे। कई अफसरों से उनकी मुलाकात भी है। कोरबा बटालियन के कैंप में ही आज वो रात्रि विश्राम करेंगे। 25 मार्च को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथी जीवानंद हलदर। जीवानंद, अमित शाह केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर पहुंचने वाले हैं। किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि कई दिनों से ये बात सामने आ रही है कि अमित शाह आ रहे हैं और लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। क्या कुछ आज कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर जो खासा तैयारी कर चुकी है वो पूरी हो चुकी है। आज गृह मंत्री अमित शाह जो है विशेष विमान से समय 5 बजे जो दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में वहां आएंगे, जहां से 13 किलोमीटर दूर जो करणपुर है वहां तक हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और वही शाम को ही जवानों से मुलाकात कर मिनी खाना में शामिल होंगे। वही सुबह 8 बजे परेड होगी और तमाम दौरे को देखते हुए कि सीआरपीएफ जो डीजी है SL थाउसेन ने वो पूरी सुरक्षा का कमान रखी है और इनके सुरक्षा की बात की जाए करणपुर के इलाके में करीबन 3,500 जवानों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे में जवान है। वही कलेक्टर चंदन कुमार ने भी सारी जो व्यवस्था को देखते हुए जो ड्रोन का जो कोई भी व्यक्ति जो 5 किलोमीटर दायरे में ड्रोन को नहीं उड़ा सकता है और वही अगर IPS IAS की बात की जाए दर्जनों भर भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी है उन्हें तैनात किया गया। खासतौर पर ये और इस जो परेड होगी जो उस परेड में जो 75 जो डेडेविल्स की जो टीम है जो 9 मार्च को दिल्ली से निकले थे वो भी पहुंचेंगे और वो भी अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही 1,000 जवानों ने परेड करेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बस्तर में पहली बार जो गृह मंत्री को आना और यहाँ पर रात्रि विश्राम करना तो कई तरह के भी मायने भी लोग निकालने जा रहे हैं। एक तरफ तो जो यहाँ नक्सलगढ़ के नाम से बस्तर को जाना जाता है और इसी दौरान अगर केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर में ठहरते हैं राज गुजारते हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ बड़ी विषय की बात भी हो सकती है, क्योंकि 2024 में जो नक्सली खात्मा के बाद अमित शाह जी बोले थे उस पर भी कुछ लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि आखिर नक्सली पर भी कुछ बड़े मुद्दे में बात कर सकता है। वही अगर राजनीतिक के मायने में अगर देखा जाए, क्योंकि 2023 की छत्तीसगढ़ के आम चुनाव है और इस चुनाव में भी इस समय बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं है तो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे भी को लेकर लोग इसका तलाश रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो अमित शाह के जो दौरा है ये बस्तर के लिए खास है और यही कारण है कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी जीवानंद, एक तरफ सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता है, लेकिन कल ही नक्सलियों ने एक इलाके में उत्पात मचाया, आग लगा दी और पर्चे फेंक कर अपनी बात कहना चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से अमित शाह का दौरा को लेकर जिस तरह पहले से सुगबुगाहट रही और जो फाइनल डेट आया इससे पहले इसको लेकर जो अंदरूनी क्षेत्र में जो नक्सली है वो विरोध जता रहता है, यही कारण है कि वो छूटपूट घटना का अंजाम भी दे रहे हैं। और उनका मानना है कि जिस प्रकार की जो अमित शाह के ऊपर कई अमित शाह जो गृह मंत्री है नक्सलियों ने कई बार आरोप लगाया भी था क्योंकि उनके द्वारा जो अंदरूनी क्षेत्र में बमबारी किया गया है तो इसका विरोध में नक्सली आखिर विरोध जता रहा है, क्योंकि माने तो जैसे बस्तर में नक्सली खात्मे के लिए करीबन 56 कैंप को बसाया गया और धीरे धीरे जो कोर एरिया है
तरीके वो खत्म वो खात्मा क्या हो रहा है, और यही कारण है कि नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस प्रकार की वारदातें करती है। तो कुल मिला के ये समझा जाए कि अमित शाह का बस्तर दौरा आना और नक्सलियों को जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए जो छूटपूट जो वारदात कर रहे हैं ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि नक्सली ये नहीं चाहता कि अमित शाह बस्तर आए। और अमित शाह जिस तरह से 2024 में नक्सली खात्मा का जो बयान दिया था उसे लेकर नक्सली में भी खलबली मची हुई है। जी 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 आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।